डैडी डैडी, वो लंगूर मुझे कैसे घूर घूर के देख रहा है। बिल्कुल लंगूर ही है, बस दुम की कसर है। तुम घर छोड़ा है डैडी। डैडी 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 डैडी, देखो उस लड़के को कैसे मटक मटक के देख रहा है। देख नहीं रहा बेटी, मटक मटक के चल रहा है। डैडी अभी अभी तो देख रहा था। तू तो समझती कॉलेज का हर लड़का तुझे ही देख रहा है। ये सब चक्कर छोड़ बेटी और लिखाई पढ़ाई में ध्यान दे। डैडी आप तो हमेशा मुझे ही दोष देते हैं। तुझे दोष नहीं दे रहा हूँ, तुझे सलाह दे रहा हूँ। अच्छा सुन सुन सुन, जमीन देख के चल वरना गिर पड़ेगी। ओके डैडी। तेरे मेरे नसीबों।
हाँ पीछे बैठ, तुझे घूमने ले चलता हूँ। कितनी देर लगेगी सूरज सिंह? साहब घंटा डेढ़ घंटा लगेगा, शायद मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। चल नीचे उतर शांति। क्यों 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 क्यों? गाड़ी खराब हो गई है, चल। ओह गाड़ी खराब हो गई, अब क्या होगा? अब क्या होगा डैडी? लोकल ट्रेन से चलेंगे। थी 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 थी, लोकल ट्रेन? मम्मी क्या कहेगी? तेरी मम्मी कुछ भी कहे, हम पैसे वाले सही, लेकिन हमें मामूली से मामूली इंसान की तरह जीने की आदत डालनी चाहिए। हम लोकल ट्रेन से चलेंगे और वो भी थर्ड क्लास। थर्ड क्लास? थर्ड क्लास, चल। आज नहीं भाई, कल चलेंगे। कल तुम कहाँ मिलोगे? मैं रोज 5:30 बजे के लोकल से यहाँ आता हूँ। अच्छा तुम्हें काम करना, कल किसी स्टेशन में मेरा इंतजार करना, ठीक है? ओके। शांति अपना स्टेशन आ रहा है, अब उतरना है। उतरती हूँ डैडी, लेकिन गाड़ी को तो रुकना दो। डैडी, वो लड़का कितना घमंडी है। कौन वो जिसने तुझे बैठने के लिए जगह दी थी? वही। क्यों क्यों घमंडी क्यों? डैडी, उसने मेरी तरफ आंख तक उठाकर नहीं देखा। तू भी कमाल करती, जो देखते उनकी भी शिकायत करती, जो नहीं देखते उनकी भी शिकायत करती। अरे उसने तुझे बैठने के लिए जगह दी, तुझे तो उसका एहसान मानना चाहिए। ये तो एटिकेट है डैडी, औरतों की इज्जत करना मर्दों का फर्ज होता है। और मर्दों का एहसान मानना भी औरतों का फर्ज होता है। जैसी माँ वैसी बेटी, चल